खेसारी को पवन सिंह का अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज। जी हाँ, खेसारी लाल यादव भले ही कुछ ना कह रहे हों पवन सिंह के इस रिकॉर्ड तोड़ गाने के बारे में, लेकिन आपको बता दें कि अगर हमारे सोर्सेस की माने तो पवन सिंह के लिए खेसारी लाल यादव का कहना है कि हमारे पुराने रिकॉर्ड को ही तोड़ दीजिए। यानी कि भाई, अभी जो फिल्म उनकी 5 महीने पहले संघर्ष यूट्यूब पे रिलीज़ हुई थी, उसने तकरीबन 50 मिलियन व्यूज़ यूट्यूब पर हासिल किए हैं। ये व्यूज़ हासिल करने में संघर्ष को बड़ा ही कम वक्त लगा है। ये मानने से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि संघर्ष मूवी बहुत ही बेहतरीन है। खैर, उसकी बात तो छोड़ते हुए खेसारी के कुछ फैंस तो यहाँ तक कह रहे हैं सिर्फ भतीजवा की मौसी जिंदाबाद के रिकॉर्ड को ही पवन सिंह छू ले, जिस गाने ने महज 3 हफ्ते में 81 मिलियन व्यूज़ हासिल किए हैं। खैर, आपको तो खेसारी का एक और होली सॉन्ग याद होगा, लहंगा वाला, जिसमें वो लाल रंग डालब की बात कर रहे हैं, तो वो गाने ने भी काफ़ी अच्छा व्यूज़ हासिल किया है। 2 वीक में 22 मिलियन व्यूज़। वाओ, व्हाट अ व्यूज़। यहाँ पर आप ये इनकार नहीं कर सकते कि खेसारी लाल यादव लगातार पवन सिंह को व्यूज़ के मामले में टक्कर दे रहे हैं। वैसे कुछ लोगों का कहना है कि पवन सिंह का कैरियर फिनिश हो जाता अगर ये गाना टॉप पर नहीं आता। वैसे आपको बता दें, अरे भाई, आप किसके गानों की बात कर रहे हैं? हाँ, पवन के गानों में अब अश्लीलता शब्द ही नहीं है। भाई, हमें यहाँ पर पवन की इसलिए तारीफ करनी चाहिए क्योंकि अब भोजपुरी में अगर उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि साफ सुथरे गाने आने चाहिए, तो भाई वो इस बीड़े को यानी इस कार्य को बहुत अच्छे से निभा भी रहे हैं। हाँ, भले ही वो व्यूज़ के मामले में कम है, लेकिन एक डिग्निटी के साथ जो कुछ पवन को अपनी लाइफ में चाहिए था वो मिल चुका है। एक वक्त ऐसा आता है जब आपको अपनी लाइफ में जो कुछ चाहिए वो मिल जाती है, रुतबा, शोहरत, दौलत, सभी कुछ, फिर कुछ काम बाकी रह जाता है उस चीज़ के लिए जिस क्षेत्र में आपने मकाम हासिल किया है, उसमें आपको कुछ देना रहता है क्योंकि उसका कर्ज भी आपके ऊपर रहता है। तो भाई, यही कर्ज शायद अदा कर रहे हैं पवन सिंह, उन्हें व्यूज़ की भले ही चिंता न हो। यहाँ पर पवन सिंह ये मेंशन करना नहीं भूल रहे हैं कि अब उनकी तरफ से भोजपुरी में कोई अश्लील गाना नहीं आएगा। खैर, आपको एक और बात बता देते हैं। आपको तो याद होगा पवन सिंह का होली वाला सॉन्ग जिसकी काफ़ी चर्चा हुई थी। भाई, तो समझ सकते हैं आप कि 2 से 3 हफ्तों के बीच ये गाना अपने उन व्यूज़ को पा लेगा जिस व्यूज़ के लिए खेसारी के वीडियोस जाने जाते हैं। वैसे मानना पड़ेगा खेसारी के फैंस को, जो कि लगातार पवन सिंह के इस कामयाबी को टारगेट कर रहे हैं। वैसे टारगेट करने की कोई बात नहीं है, यहाँ सेलिब्रेशन की बात है। भोजपुरी में कोई तो आगे बढ़े, अब ज़रूरत है कि खेसारी लाल यादव कोई हिंदी सॉन्ग लेकर आए इसी तरह, जहाँ पर हम भी इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोज़ उनके लिए भी बनाकर डाल सके। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।